मार किसी का कर्जा बाकी नहीं रखता, तुम्हारा भी एक एक पैसा दूध में धोकर चुका दूं। जब तुम सीमा से मिलोगे तो भूल जाओगे शराब को, इस नशे को। मैं आखिरी बात पूछती हूँ, तू शादी करेगा कि नहीं? कि जैसी बहू तुम्हारी दादी माँ को चाहिए मैं वैसे नहीं बन सकती। अगर आप एक महीने में शादी नहीं कर लेते तो आपके ऐश की उम्र उतनी ही है जितनी दादी माँ की। हमारे घर कोई नहीं है बाबू, हमका अपने संग ले जावा। बाबू हमका अपने घर में जगह दे दो, हम तो हर जूता साफ करी है, तो हर गुलामी करी है। मुझे 2-3 महीने के लिए एक किराए की पत्नी की जरूरत है। हम खाली पेट कुछ नहीं सोच सकत। आपकी शिष्या है, 2-3 रोज में से एक आदर्श हिंदू नारी बना दीजिए। शराब छोड़कर ये हरम कब से खोल दिया बे शर्म? अभी नौकरानी बन के रह सकती हूँ, पर ये झूठी जिंदगी मुझसे नहीं जी जाएगी। मैं आपकी दादी माँ को धोखा दे सकती हूँ, पर खुद को कैसे धोखा दूँ? इस घर में इतना रुपया है कि 7 जन्मों तक दोनों हाथों से लुटाता रहूं तो भी खत्म नहीं होगा। मैं चारों तरफ से खतरों में घिरी हूँ, ये लोग मेरी जान के दुश्मन हैं। ऐसे वक्त में मुझे किसी अपने की जरूरत है। तुम लोगों ने मेरी डालने का बहुत दिल दुखाया है। सोख और सौतेली माँ का नाम राशन कार्ड से निकाल दिया जाए या रहने दिया जाए? डार्लिंग बंद करिए डार्लिंग, डार्लिंग का मजा। मैं अभी फोन करके पुलिस को बुलाती हूँ। इसकी जायदाद को हटाने के लिए पागल लड़की से शादी की। वो कुमार बहुत चालाक है, उसने पहले ही डॉक्टर मोतीवाला से सर्टिफिकेट ले लिया कि मधु बिल्कुल ठीक है। राय बहादुर दीनानाथ की मौत तो मुझे नेचुरल नहीं लगती, इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया था, एक मजबूर लड़की की जिंदगी बचाने आया था। वो तुमसे प्यार करती है और प्यार करने वाले बहुत शक्की होते हैं। जहाँ तक मैं घर नहीं पहुँची तो कुमार जमीन आसमान एक कर देगा, और फिर उसे तुम तक पहुँचने में वक्त नहीं लगेगा। ए लड़की, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला हूँ।